क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01-1229-01701 पर। जया बहू, अरे जया बहू कहाँ है तू? अरे जया बहू, सारी तैयारी हो गई कि नहीं हो गई? अरे वो देशी घी वाले पराठे बनाए कि नहीं? बना दिए, इतने पराठे बना दिए कि पूरा मोहल्ला खा सकता है। अरे बेटा, तूने घर वाले मक्खन निकाले कि नहीं? उसे घर के मक्खन बहुत पसंद है। भाई आज कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मेरा बेटा आ रहा है। तैयारियां तो ऐसे करवा रही हैं जैसे बेटा नहीं कोई राजा आ रहा हो। गाड़ी की आवाज आई ना, मेरा बेटा आ गया। अरे आरती की थाली कहाँ है? जल्दी लेकर आओ। जल्दी लाओ, जल्दी जाके जैकेट पहन लो। ओके। इट्स नॉट ओपनिंग। अरे 111 है ना? तो करो ना, नहीं हो रहा है देखो। अरे 111 ही तो था। ओह गॉड, लेकिन नहीं खुल रहा है ना। तुमने चेंज किया क्या? नहीं, बोला था पहले से। क्या करते हो वरुण? अगर चेंज करते हो तो कहीं लिख के रखना चाहिए ना। अरे आ गए मम्मी जी, चलो चलो अभी चलो। खुश रहो बेटा। हाय मम्मी जी, I missed you so much. Hi Bobby. Hey bro, what's up? क्या बात है, आप तो दिन ब दिन बड़े हैंडसम होते जा रहे हैं। नॉट बैड हा? छोटी बहू। जी मम्मी जी। कपड़ों के साथ साथ शर्मी मुंबई छोड़ आई हो क्या? ये मुंबई नहीं है, ये छोटा सा शहर है और यहाँ छोटे बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। अंदर आओ बेटा, चलो खाना तैयार है, जल्दी से हाथ मुंह धो लो तुम लोग। मम्मी जी, शहर के लड़के कुछ अजीब है ना? बेटा जब हम खुद अपना तमाशा बना रहे हो ना तो दूसरों को दोष क्या देना? आज बिल्कुल तरीके से रहना। आज तुम्हारी शाम को मुंह दिखाई है, हमारे कुछ रिश्तेदार तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। मुंह दिखाई? और वो भी शादी के 1 साल बाद? हाँ, क्योंकि तुम्हारी शादी मुंबई में हुई थी और इतने लंबे अरसे के लिए तुम कभी नहीं आई, इसलिए मेरे सारे रिश्तेदार तुम्हें देखना चाहते हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। और हाँ,
तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साड़ी और गहने मैंने रखवा दिए हैं और हमारी नाक आज मत कटवा। जया, अरे जया बेटा कहाँ है तू? हाँ जी माँ जी। अरे बेटा सारी तैयारी हो गई ना? अरे मेहमान आ रहे, सोनिया कहाँ, तैयार हुई कि नहीं हुई? पता नहीं, रख इसे, जा तू देख तैयार हुई कि नहीं, पता नहीं कहाँ रह जाती है लड़की। ओ नो, ये ब्लाउज तो बहुत लूज है यार, और इस साड़ी से मैचिंग मेरे पास कोई अपना ब्लाउज भी नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं अपनी ही कोई साड़ी पहन लेती हूँ। उषा आंटी, आपकी बहू नहीं दिख रही सोनिया, कहाँ रह गई? आ गई आपकी मॉडर्न बहू, इसकी क्या मुंह दिखाई करनी है? इसका सिर्फ मुंह ही नहीं, पता नहीं क्या क्या दिखाई दे रहा है। इससे कहा था हमारी नाक ना कटाए, लेकिन इसने तो शर्म से हमारी गर्दन ही काट दी। लेकिन मेहमानों के सामने झगड़ा करने से तो और ही बात बिगड़ेगी। अरे बहू आओ, रस्म शुरू करते आओ। जी माँ जी। आओ बैठो। बहू ऐसे पल्लू डाल लो बेटा। शर्म और लिहाज एक औरत का गहना होता है, लेकिन तुम्हारे अंदर न कपड़ा गहना पहनने की तमीज है और ना ही बात करने की तमीज है। माँ प्लीज अब शांत हो जाओ, मैं समझाता हूँ उसे। चुप। तेरी बीबी को बोल बोल कर समझा कर मैं थक गई, लेकिन इसे धेले भर की समझ नहीं आई। इस लड़की से शादी करके तूने हमारे परिवार का तमाशा बना दिया। बेबी, 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 रोना बंद करो, रोना बंद करो। इनफ या वरुण, अब मुझे और यह नहीं रहना है। जब तुम मेरे घर पे आते हो तो मेरे मम्मी पापा तुम्हें कुछ नहीं कहते। बेबी एक छोटा सा शहर है, यहाँ पे रीति रिवाज रस्में ये सब मायने रखते हैं। बेबी अभी मैं क्या बताऊँ? तो मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना वरुण, लेकिन तुम्हें पता है कि मुझे ये सारी और ये हेवी ज्वेलरी ये सब पहनना नहीं अच्छा लगता। ठीक, मत पहनो। कल से ना तुम सलवार कमीज पहनो और माँ के घर के कामों में हाथ बटा दो। देखा, तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज बेबी, मेरे लिए प्लीज। मम्मी जी, आज खाना मैं बनाऊं? तुम्हें खाना बनाना आता भी है कि सबको सलाद और रायता खिलाओगी? अरे नहीं मम्मी जी, मुझे बेसिक कुकिंग आती है।
जैसे कि अलग अलग तरह के सैलड्स, दलिया खिचड़ी, ब्राउन राइस पुलाव। यार ये सब कोई नहीं खाता। मैं सब्जी काट रही हूँ, तुम आटा गूंथ लो। क्यों, क्या हुआ? वो मम्मी जी, मैंने अभी ना फ्रेश नेल पॉलिश लगाई है, तो आटा गूंदने में खराब हो जाएंगे मेरे नेल्स। ठीक है, तो फिर दाल चावल और सब्जी ही बना लो। ठीक है। माँ जी, ये पूरा का पूरा खाना कैसे बनाएगी? अरे बना लूंगी ना, देखिएगा आप अपनी उंगलियां चाटती रह जाएगी। लाइए मुझे दीजिए। तो ठीक है बेटा, आज की रसोई तुम संभाल लो जी, और कुछ जरूरत होगी ना तो फिर बुला लेना मुझे। ओके। हा? पूछ लेना। हाँ हाँ चलो। मम्मी जी, खाना तैयार है, मैंने पूरा बना दिया है। अरे वाह, आज पहली बार तूने बहू वाली हरकत की है। रुक। ये ले। थैंक यू मम्मी जी। खुश रहो बेटा। ये तो माँ का पूरा है ना? हाँ, आज पूरे घर का खाना मैंने बनाया, तो मम्मी जी ने खुश होकर मुझे उनके कंगन दे दिए। क्या? क्या बिलीव है? वाओ बेबी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मोहल्ले के लोग और मेरे पति तुझे मुझसे ज्यादा समझदार समझते हैं ना, पर माँ जी का दिल तुझे मैं कभी नहीं जीतने दूंगी। जी, कैसी बदबू आ रही है? किचन में कुछ जल रहा है। हाय राम, क्या चल रहा है भगवान? अरे बाप रे बाप, क्या चल रहा है? हाय राम, ओह नो, ये तो सारा खाना जल गया। शुक्र है खाना ही जला, अगर जया ने ध्यान नहीं दिया होता तो पूरा किचन जल जाता था। अरे ये पूरा कुकर भी बंद करके रखा, फट जाता तो। हद होती है लापरवाही के, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता है। लेकिन मम्मी जी, मैंने तो गैस बंद किया था। अच्छा, गैस बंद किया था तो अपने आप से जल गया क्या? हमारे जमाने में बहुएं मायके से सीख कर आती थी कि घर कैसे संभालना है, लेकिन पता नहीं तुम्हारे माँ बाप ने कैसी परवरिश दी है तुम्हें। एक सेकंड मम्मी जी, आपको मुझे जो बोलना है बोल सकती है, लेकिन मेरे माँ बाप को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। कहूंगी, जरूर कहूंगी। तुम्हारे माँ बाप की परवरिश की वजह से आज मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई। और तुम इस लायक नहीं थी, फिर भी मैंने तुम्हें अपने खानदानी कंगन दिए हैं। हाँ तो नहीं,